लाहौर पर डेंगी हमलावर वार जारी हैं। फरवरी में लाहौर में 127 मरीज रिपोर्ट हुए। डीजी हेल्थ सर्विसेज ने रिपोर्ट जारी कर दी है। मजीद बात करेंगे बिलाल चौधरी से। बिलाल, डेंगी फिर से पलटा है? जी बिल्कुल, डेंगी सर्विलेंस ना होने की वजह से डेंगी एक दफा फिर पंजाब समेत लाहौर में फैलने का खदशा है और पंजाब भर के अस्पतालों में रिपोर्ट होने वाली डेंगी के मरीजों की रिपोर्ट डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने जारी कर दी है। रवा महीने फरवरी में पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में 1027 मुशतबा और तस्दीक शुदा डेंगी के मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में डेंगी के रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद 127 हो गई है, जबकि फरवरी में सिर्फ जनरल अस्पताल में 127 डेंगी के मरीज पहुंचे हैं। सर गंगाराम अस्पताल में फरवरी के महीने में 25 मुशतबा डेंगी के मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 7 और सरसिस अस्पताल में 21 जो है वो मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए। इसी तरह दीगर अस्पतालों में भी जो है वो डेंगू के मरीज जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। इस हवाले से महकमा सेहत की जानकारी कहा जाए कि जिन सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों की तादाद जीरो है, इन हिदायत जारी की गई है कि PITB पर मरीजों की तादाद जो है वो जारी की जाए। बरवक्त मालूमात पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड पर अपलोड करने से डेंगू कंट्रोल टीमों को मुश्तबा मरीजों की इलाज में आसानी होगी और जो अस्पताल जो है वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बोर्ड पर अपलोड नहीं कर रहे मरीजों की जो है वो उम्मीद के हवाले से, तो इस हवाले से महकमा सेहत को पंजाब को सर्विलेंस करने में मुश्किल पेश आ रही है और तमाम अस्पताल जो अब इस किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी एक्शन लेने का जो है वो भी कहा गया है। तो मजीद ही कहा गया है डेंगू के हमले जारी हैं। शुक्रिया बिलाल चौधरी।